इंडिया कनाडा टेंशन। एफबीआई ने अमेरिका में खालिस्तानियों को दी चेतावनी, कहा था जान को है खतरा, रहे सतर्क। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर उठे विवाद के बाद भारत और कनाडा के बीच रिश्ते ठीक नहीं हैं। द इंटरसेप्ट की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच बढ़े राजनीतिक गतिरोध के बीच संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई ने अमेरिका एजेंट में खालिस्तानी तत्वों से मुलाकात की और उन्हें चेतावनी दी थी कि उनको जान का खतरा हो सकता है। अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी ने समन्वयक प्रतिपाल सिंह ने द इंटरसेप्ट को बताया कि निज्जर की हत्या के बाद उन्हें और कैलिफोर्निया में दो अन्य सिख अमेरिकियों को एफबीआई की कॉल और मुलाकातों की। उन्होंने बताया कि जून के अंत में एफबीआई ने विशेष दो एजेंट मुझसे मिलने आए, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि मेरी जान को खतरा है। प्रतिपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि खतरा कहाँ से आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे सावधान रहना चाहिए। एफबीआई एजेंटों ने जून में ही दो अन्य सिख अमेरिकियों से मुलाकात की थी, हालांकि उनका नाम गुप्त रखा गया। वही ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मनोहर सिंह को भी चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि कनाडाई खुफिया अधिकारियों ने जून में निज्जर की हत्या से पहले खालिस्तानी तत्वों को चेतावनी दी थी, उनके जान के खतरा में है। मुनिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने हमें बताया कि हमारे ऊपर मर्डर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी विशेष रूप से यह नहीं कहा कि खतरा भारतीय खुफिया एजेंसी था, या उन्होंने हमें यह बताने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं दी कि खतरा किससे है। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारा के बाहर दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को कई मामले में दिल्ली संप्रीतता का आरोप लगाया। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेकुपा और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया। इस मामले में ओटावा की तरफ से एक भारतीय अधिकारी को हटाने के जवाब में भारत ने कनाडाई राजनीति का न्याय चित कर दिया।